तो बस अभी हम लोग घर पे आ गए। अरे हाँ, आप लोगों ने व्लॉग देखा नहीं ना, एक काम कीजिए, जाइए फ्लैशबैक में और देखिए हम लोग के प्लान कैसे फ्लॉप हो गए। इगतपुर गए थे, सोचा था 4 to 5 प्लेस एक्सप्लोर करेंगे पर वो हो नहीं पाया। उसके बाद और कुछ देखने गए थे, वो भी हो नहीं पाया। एक काम कीजिए, आप जाइए और वो ब्लॉग ही देखिए। कभी जाइए और वो ब्लॉग देखिए, पर मज़ा तो किया हम लोगों ने, दैट्स ट्रू। देखिए चलो फिर। पुनः एक बार स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलग्राम माइल्स में। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं इगतपुरी के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश बहुत मस्त हो रही है। तो इगतपुरी में 3-4 स्पॉट करके, ये वन डे ही होने वाला है, तो इगतपुरी में 3-4 स्पॉट करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो ये होने वाला है फैमिली ट्रिप, मैं, मेरी वाइफ और ये बेटी, प्लस और एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी। तो आगे भी उनसे मिलवाऊंगा। तो अभी निकल पड़ते हैं इगतपुरी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने चैनल पे 1K प्लस फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1K इसका 1K सेलिब्रेशन वीडियो अलग से आएगा, तब मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अभी हम लोग निकल पड़ते हैं इगतपुरी के लिए। अभी हम लोग है कसारा घाट में और आपको ऐसे वाले वाटरफॉल बहुत दिखेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत सही है, मतलब पूरा हरा भरा हो गया यहाँ पे। ये देखिए, और नीचे ट्रेन भी जा रही है, क्या बात है। परफेक्ट सीजन फॉर गोइंग इगतपुरी। चलो बैठते, आगे निकलते। तो अपना ये फर्स्ट स्पॉट होने वाला है कैमल वैली, ये वाला जो मेरे पीछे है ना, ये वाला। तो कुंवर इगतपुर आने के बाद आपको एक यूटर्न लेना पड़ेगा, तो वहाँ से ऑन दी वे ही है, मतलब रोड पे ही है, हाईवे पे ही देखे ऐसी बात। अच्छा, मतलब 5 मिनट वेट करके आप यहाँ पे जूता भी खा सकते हैं और बाद में आगे निकल सकते हैं। है मत, शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर बहुत अच्छा है। बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज, और ये दो अंदर ही बैठे हुए हैं बारिश की वजह से। तो अभी निकलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे।
मालूम नहीं क्या है पर जो भी वो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे कसारा घाट में आपको बहुत ऐसे नेचुरल वाटरफॉल दिखेंगे, ये ऐसे ये वाले। बहुत बहुत दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा। और क्या हरियाली और रास्ता है, सुपर सुपर है। मतलब एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो हम लोग रिस्क ले रहे हैं बाहर निकलने का। तो फिलहाल प्लान भी थोड़ा चेंज हुआ है, अभी हम लोग कैमरे वगैरह देखने के बाद जा रहे हैं वैतरना डैम। तो डैम में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा डैम एक्सप्लोर करेंगे, चाहे तो थोड़ा भीगेंगे और फिर निकल पड़ेंगे घर की ओर। तो ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं वीडियो में, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ इगतपुरी का थोड़ा रास्ता, कैमल वैली और वैतरना डैम को इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो अभी निकल पड़ते हैं वैतरना डैम। जितना हो सके उतना मैं शूट करूँगा बाहर के नज़ारों का, और जितना हो सके उतना ही। वैतरना डैम जाने के टाइम पे ये प्यारा सा ब्रिज दिखा, ये वाला। ये ब्रिज के अंदर पानी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही है, एकदम सही है। नेत्र सुख बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं नेत्र सुख एक्चुअली में। ये देखिए तो मेरे साथ है वैभव, जिसको आपने अलीबाग रोड पे देखा होगा, और उसकी वाइफ दीदी और एक क्यूट सी लड़की। क्यूट सी लड़की। वैतरना डैम जाने के रास्ते पे ऐसा एक्चुअली ओवरफ्लो हो गया पानी यहाँ पे, वही सोच रहे जा सकते कि नहीं जा सकते, ये वाला। तो अभी इसके वजह से ये डिसाइड किया है, इसके वजह से कि वापस जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने के कारण ये पूरा भर गया है, ये पूरा, ये देखिए पूरा पूरा भर गया। तो गाड़ी आगे जा ही नहीं पाएगी और रिस्क लेना भी नहीं हम लोग, तो वापस तो वैतरना डैम तो रह गया, तो वहाँ पर नहीं जा सकते अभी। तो अभी वापस जाएंगे, कोई भी छोटा सा वाटरफॉल दिख जाएगा वहाँ पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे और मुंबई के लिए वापस निकल जाएंगे। बारिश इतनी ज़ोरदार है कि गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने हमारे साथ बच्चे हैं। तो चलो फिर निकलते यू टर्न मार के वापस। वापस जाते वक्त हम लोग को पेरनी जो खेती में करते हैं तो वो दिखा, तो वो थोड़ा आपको वो दिखाता हूँ मैं। हेलो काम मंडल बोला तुम्ही, हेलो काम मंडल। सॉरी पेरनी नहीं, शायद दूसरा कुछ है, मालूम नहीं, समझा नहीं मैं बाबा ने क्या बोला, पर जो भी है अच्छा लगा देख के। ए जमीनला हे करतात काय? हां जमीनला, जमीनला खत मारतात, खत मारणार। हां अच्छा, मग खत मारणार असं? हां खत मारणार, काय शेण खत। मुक्काम नाही हो का, परत येतो मुंबईला आता संध्याकाळी जायसाठी। चला
कुछ वो ग्राउंड या जमीन को कुछ वो करके उसके बाद वो आप एक खड डालेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे पापा। तो जो भी था वो अच्छा था, तो अभी निकलते आगे। तो अभी कुछ नहीं, तो एक वाटरफॉल दिख गया, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा मजा मस्ती करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे टूअर्स मुंबई। दिख तो रहा है अच्छा, पर थोड़ा खतरनाक भी लग रहा है। अभी प्लान में वापस थोड़ा चेंज हुआ है, वो वाला वाटरफॉल नहीं जा रहे, थोड़ा सा रिस्की लगा, थोड़ा सा गंदा लगा आई थिंक बाकी लोग को, फैमिली लोग को, तो थोड़ा सा आगे एक वाटरफॉल है वापस जाने का सोच रहे हैं। अभी फैमिली के साथ आने का होगा तो लिमिटेशन तो होती है, जा नहीं सकते हर जगह पे, ऐसा है। कि जैसे आप इगतपुरी आएंगे, कसारघाट क्रॉस करेंगे या कहीं भी जाएंगे एक्चुअली मुंबई के बाहर, थाने के बाहर, तो आप लोगों को ऐसे नेचुरल वाटरफॉल बहुत दिखेंगे, नेचुरल और बहुत अच्छे और सुंदर। तो अभी प्लान हुआ है ये वाला वाटरफॉल पे आने के लिए। तो अभी बस निकलने का टाइम आ गया है, जितना हो सके उतना मैंने आपको दिखा दिया है। आई नो मैंने वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, बारिश इतनी तेज है, बढ़ गई, इसकी वजह से हम लोग गाड़ी से बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे साथ थी हमारी फैमिली और बच्चे भी, उसके वजह से हम लोग को रिस्क लिया नहीं। मैं तो कहूँगा जो बड़े बड़े वाटरफॉल जो लगते हैं उससे अच्छा ये जो छोटे छोटे वाटरफॉल है उसमें धमाल करने की बात ही अलग है। इसके बाद आएगा कोकण का ब्लॉक, जो सीरीज चालू है वो तो साइड बाई साइड चालू रहेगी। तो एक्चुअली प्लान कुछ अलग था कि इगतपुरी जाएंगे, वहाँ पे दो तीन स्पॉट एक्सप्लोर करेंगे, विपासना वो सब, तो बारिश की वजह से कुछ हो नहीं पाया। तो इगतपुरी गए, कैमरे वाले दिखाया आपको मैंने, उसके बाद जा रहे थे वितरना डैम, सॉरी उसके बाद जा रहे थे वितरना डैम, आगे देखा आपने बनता रास्ता, वापिस आए तो वाटरफॉल दिखा, वहाँ पर थोड़ा मज़ा मस्ती किया और निकल पड़े। अभी हम लोग निकलेंगे मुंबई की ओर। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा किसी भी कारण वजह से, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ट्रैवल ब्लॉग। मैं ऐसे आपको ऐसे आपको मॉनसून ब्लॉग देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और रखते रहिए, बाय। तो देखा आप लोगों ने ये ब्लॉग कैसे बना, स्टार्ट कैसे किया था और एंड कैसे हुआ। कुछ 14 आवर्स की जर्नी में हम लोग कुछ 7-8 आवर्स तो कार में थे, बट एंजॉय किया फॉर श्योर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी चलो बाय 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 बाय। ये सर बोलो सर, डैम की तरफ जाते हुए रस्ते में अड़थळा निर्माण झालेला आहे, त्यामुळे आम्ही हा रस्ता परत यू टर्न मारून घरी चाललेलो आहे। रस्त्यात दिसेल तो डॅम किंवा धरण, तिकडे खालती उभे राहून आंघोळ, मस्त पैकी आंघोळ करून छोटी आणि आम्ही मजा करणार आहे। आणि मग आणि दारू बिरू पिऊन घरी जाऊ।